हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम, स्टे होम, स्टे सेफ। वी आर डूइंग बिजनेस स्टडी बटे वंस अगेन हम ऑनलाइन क्लास के जरिए आपके सामने आए हैं, ठीक है। और अब हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा सिलेबस डन हो चुका है। तो क्लास के अंदर हमारा रिवीजन चल रहा था फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के हमने फंक्शन पढ़ने शुरू किए थे। तीन तरह के फंक्शन थे आपके, बेसिकली प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड इंटरनेट बैंकिंग फंक्शन। तो दो फंक्शन हमने क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। आज हम इसके तीसरे टाइप के फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट करना शुरू जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फंक्शन, तो आज के मॉडर्न टाइम में आपको पता है भाई, इंटरनेट का युग आ चुका है और हर कोई व्यक्ति घर बैठे बैठे इंटरनेट से ट्रांजेक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग आज के समय बाहर नहीं निकलना चाहते, ठीक है, घर रहकर ट्रांजेक्शन करना शुरू करते हैं। तो बैंक आजकल आपको ये फंक्शन भी प्रोवाइड कराने लग गए हैं कि भाई आप अपने घर बैठे बैठे मनी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बस आपको चाहिए क्या है कि स्मार्टफोन आपके पास होना जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना जरूरी है और आप इजीली घर बैठे ट्रांजेक्शंस वगैरह कर सकते हो, जिसे हम तीसरे फंक्शन कहते हैं बैंकों के, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फंक्शन या फिर ई बैंकिंग। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, तो बेटे कंप्यूटर और इंटरनेट के आने से अ नोवेल्टी हैज क्रैप्ट इनटू वर्किंग ऑफ बैंक। नोवेल्टी का होता है नवीनता, तो बैंकों के फंक्शन में नवीनता आ गई है। एक नए माध्यम से, एक नई प्रोसेस के जरिए बैंकों ने काम करना शुरू कर दिया है। बेटे कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए जो बैंक है, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो आप इंटरनेट के जरिए बैंकिंग फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं तो उसे ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज द कस्टमर डू नॉट नीड टू गो टू बैंक एवरी टाइम। तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, इनके जरिए कस्टमर को बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कस्टमर घर बैठे बैठे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इजिली मनी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मनी को विड्रॉल भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए, ठीक है। तो बहुत सारी नई नई फैसिलिटी आ चुकी है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या आता है, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सबसे पहला है इसके अंदर EFT, द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नाम से स्पष्ट हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसमें हम करते क्या है, फंड को हम ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर वन बैंक टू अनदर बैंक। आप घर बैठे बैठे अगर आपको चाहे तो आप यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहीं भी आप अपने रुपए को ट्रांसफर कर सकते हो। इवन फॉरेन कंट्रीज में भी आप अपनी मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। सो द फॉलोइंग आर द चीफ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट क्रेडिटिंग एंड डायरेक्ट डेबिटिंग। तो इसमें डायरेक्ट डेबिट या डायरेक्ट कैश हो सकता है। पहला देखिए डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट इंक्लूड्स डिविडेंड ऑन शेयर। मान लीजिए आपने एक शेयर परचेस किए हुए हैं किसी कंपनी के, तो जो डिविडेंड आपको मिलता है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिविडेंड की तरह अगर आपको इंटरेस्ट मिला है डिवेंचर पर तो वो भी सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। कमीशन हो गया, कमीशन आपको मिल जाएगा सीधा, ठीक है। सैलरी देखिए आजकल तो बैंकों में ही ट्रांसफर होते हैं, डायरेक्ट कैश में बहुत कम लोग देते हैं सैलरी, ठीक है। जो भी बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं सीधे बैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो ये थे डायरेक्ट क्रेडिट। अब देखिए डायरेक्ट डेबिट, दिस इंक्लूड टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। भाई डायरेक्टली आप अपने बैंक को दिशा निर्देश देके इलेक्ट्रॉनिक बिल्स या टेलीफोन बिल्स पे कर सकते हो। लोन इंस्टॉलमेंट, आप अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट कटवा सकते हो डायरेक्ट डेबिट के जरिए। इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट आप कटवा सकते हो, क्लब मेंबरशिप फीस आप दे सकते हो और क्रेडिट कार्ड के ड्यूज भी आप पे कर सकते हो। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज। एडवांटेज देखिए क्या है, पेमेंट ऑन ड्यू डेट। भाई ड्यू डेट पर ऑटोमेटिकली बैंक से पेमेंट हो जाती है, आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। नो लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट के अंदर जब हम ट्रांजिट का मतलब होता है यहाँ से वहाँ जाने में, ठीक है, जब हम ट्रांसफर करते हैं ट्रांजिट खुद भरने जाएं तो भाई रास्ते में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो लॉस भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है भाई, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, तो इस तरह के जो भी लॉस के खतरे होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश। भाई कैश का मिस हैंडलिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। एफर्टलेस ट्रांजेक्शन, बिना एफर्ट्स किए आपके सारे काम हो जाते हैं, घर बैठे बैठे सारे काम आपके हो जाएंगे। नो एक्सपेंस ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस, इन सब कार्य को करने में कोई आपका खर्चा, कोई एक्सपेंस नहीं लगता। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है ये सब काम करने के लिए बेसिकली। आगे है सेकेंड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM जिसे हम कहते हैं। तो आजकल
एटीएम मशीनें लग चुकी हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इन्हें कहते हैं। तो इन ऑटोमेटिक टेलर मशीन के जरिए हम रुपए निकलवा भी सकते हैं और रुपए को इजीली जमा कर भी सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आजकल ज्यादातर सभी बैंकों में मशीनें लगी होती है, ठीक है, ताकि मैनुअली लोग कम से कम इकट्ठा हो, सीधा जाके मशीनों में ट्रांजेक्शन कर दे, बड़ी जल्दी हैंडल कर लेते हैं मशीनें, ठीक है। सो एटीएम इज एन ऑटोमेटिक मशीन विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी विदड्रॉन और डिपॉजिट बाय इंसर्टिंग द कार्ड। तो एक कार्ड को इंसर्ट करके, जो एटीएम कार्ड आपको मिलता है, डेबिट कार्ड जिसे हम कहते हैं, मोस्ट जनरली डेबिट कार्ड ही आपको दिए जाते हैं, तो उसके जरिए आप बेसिकली रुपए को डिपॉजिट भी कर सकते हैं, रुपए को विदड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी बेसिकली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर छुपा होता है, PIN नंबर जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दिस मशीन ऑपरेट्स इन 24 आवर्स, तो ये मशीन 24 घंटे काम करती है, कभी भी आप जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दिस हैज रिड्यूस द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, तो इससे जो बैंक में एम्प्लॉयज लगे होते हैं उनका कार्य काफी कम हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन सेल्फ फंक्शन होती है, आपको जाके उसे काम पर लेना पड़ेगा, आपको जाके उसमें रुपए जमा करने पड़ेंगे, वो अपने आप कर देगी, ठीक है। इससे जो बैंक एम्प्लॉयज होते हैं उनका लोड कम होता है, ठीक है, जो भीड़ होती है उनके काउंटर पर वो काफी रिड्यूस्ड हो जाती है। द एटीएम इज गेटिंग पॉपुलर एवरी डे, जो एटीएम है वो आजकल लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। अगला है आपका डेबिट कार्ड, नेक्स्ट है आपका डेबिट कार्ड। अब भाई आपके अकाउंट में जो रुपए है, ठीक है, उस रुपए को आप डेबिट कार्ड के जरिए निकलवा सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। अब डेबिट कार्ड में होता क्या है, 24/7 आवर, ठीक है, सर्विस अवेलेबल रहती है, आप किसी भी समय जाकर एटीएम में जाकर अपने डेबिट कार्ड से रुपए निकलवा सकते हो, एवरी टाइम आपको बैंक के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि बैंक की एक सर्टन टाइमिंग होती है, सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक फंक्शन करते हैं जनरली, दस से लेके 4 रुपए का निकालना या रुपए का जमा कराना 4 बजे तक ही होता है, उसके बाद तो वो बाद में अपने काम करते हैं, तो इस टाइम के दौरान ही आप रुपए निकलवा सकते हो। लेकिन एटीएम के जरिए आप किसी भी समय रुपए निकलवा सकते हो, बस आपको करना क्या है, एटीएम पे जाना है, ठीक है, जो एटीएम लगे होते हैं वहाँ डेबिट कार्ड के जरिए आप अपने रुपए निकाल सकते हो। थ्रू दिस मीडियम द मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट ऑफ द परचेजर टू द अकाउंट ऑफ सेलर, तो डेबिट कार्ड के जरिए जो परचेजर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, मनी कैन ऑल्सो बी विथड्रॉन फ्रॉम द एटीएम, तो एटीएम से भी रुपए निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। अब कैश कार्ड तो आपको पता ही है सबके लिए नहीं होते भाई, ये केवल बिजनेस कस्टमर के लिए होते हैं, बैंक सबको नहीं देते क्रेडिट कार्ड, ठीक है भाई। डेबिट कार्ड तो इसलिए होते हैं कि आप अपने अकाउंट से ही रुपए निकलवा सकते हो, क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से उधार रुपए ले सकते हो और उसे कुछ टाइम बाद, लगभग 45 डेज बाद आप पे कर सकते हो। सो ए बैंक इशूज ए क्रेडिट कार्ड टू दोज ऑफ इट्स कस्टमर हु एंजॉय गुड रेपुटेशन, तो जिन कस्टमर की रेपुटेशन बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, अच्छे जो बिजनेस कस्टमर होते हैं, जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकों के अंदर, ठीक है, तो उनको ये क्रेडिट कार्ड इशू करके देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में रुपए होना जरूरी है, ठीक है, ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह ही होते हैं जिसमें आप रुपए निकलवा सकते हो बैंक से ज़्यादा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड द होल्डर कैन बाय गुड्स और अपटेन सर्विसेज, इस कार्ड की हेल्प से आप गुड्स और सर्विसेज इजिली एक्वायर्ड कर सकते हो। इसके ऊपर भाई जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उस पर बैंक का नाम होता है, आपका नाम होता है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी होती है, डेट ऑफ वैलिडिटी होती है कि किस डेट तक ये वैलिड है। द क्रेडिट कार्ड होल्डर कीप्स ऑन डिपॉजिट द मनी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद द बैंक, हर क्रेडिट कार्ड के देखिए अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से ही आपको रुपए पे करने पड़ते हैं, तो हर क्रेडिट कार्ड के अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, इनके चार्ज भी अलग अलग होते हैं, साल में इनके चार्ज कटते हैं, चार्ज के हिसाब से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराकर देते हैं। आगे टैली बैंकिंग यानी फोन के जरिए, ठीक है। सो अंडर दिस फैसिलिटी ए कस्टमर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट और इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऑन द टेलीफोन, तो देखिए टेलीफोन पर आप अपने लेटेस्ट ट्रांजेक्शन पता कर सकते हैं कि भाई मेरे 5 ट्रांजेक्शन कितने हैं, 5, ठीक है, मेरे कहाँ कहाँ मनी कटी है या कहाँ रुपए डिपॉजिट हुए हैं, तो आप अपने कुछ ट्रांजेक्शन को टेलीफोन के जरिए पता, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, तो ये आपको कभी भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है राउंड द क्लॉक, किसी भी समय आप इससे अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस पता कर सकते हैं या फिर अपने ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट कोर बैंकिंग सिस्टम। अब क्या होता है जरा देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोर बैंकिंग
अब ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कोर बैंकिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, ठीक है, कोर बैंकिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको एक ब्रांच में अकाउंट खुलवाना होता है, ठीक है भाई, जो भी बैंक ये वाली सर्विस अफोर्ड करते हैं या ये वाली सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक CBS होते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम जहाँ पर होता है बेटे, उसमें होता क्या है, आप एक ब्रांच में अकाउंट खोलिए और पूरे इंडिया में कहीं भी उसकी ब्रांच होगी ना, वहाँ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आपको हर बार नया अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली ये कोर बैंकिंग सर्विस लेते कौन है, ज़्यादातर ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या ऐसे एम्प्लॉय जिनका फ्रेक्वेंट ट्रांसफर होता रहता है, फ्रेक्वेंटली वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर उनका होता रहता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उन्हें एक ब्रांच में अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसके बाद आप किसी भी इंडिया की किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, किसी भी ब्रांच में आप जाएं, आपको नया अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा, हर बार नई फोटो नहीं देनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप देश की किसी भी ब्रांच से रुपए निकलवा सकते हो, किसी भी ब्रांच में रुपए जमा कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम, सारे बैंक अफोर्ड नहीं करते, कुछ बड़े बैंक ही अफोर्ड करते। देखिए, द कंप्लीट नेम ऑफ दिस बैंकिंग सिस्टम इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो कोर बैंकिंग का क्या मतलब है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन है और सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन, या फिर हम इसे सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन भी कह सकते हैं, दे आर पॉपुलरली नोन एज CBS, CBS इसको पॉपुलरली जाना जाता है। CBS इज दैट बैंकिंग सिस्टम विच मेक्स बैंकिंग कन्वीनियंट बाई चेंजिंग द स्टेटस ऑफ ए कस्टमर फ्रॉम कस्टमर ऑफ ए ब्रांच टू कस्टमर ऑफ द बैंक। तो इस CBS बैंकिंग में होता क्या है, कस्टमर के स्टेटस को चेंज कर देता है, कैसे, कस्टमर ऑफ ए ब्रांच टू कस्टमर ऑफ द बैंक, कस्टमर ऑफ ए ब्रांच टू कस्टमर ऑफ ए बैंक के जरिए। अब रेवाड़ी में आपकी कोई ब्रांच है, वो जो CBS सिस्टम प्रोवाइड करा रही है, तो अगर आपने उस CBS सिस्टम में अपना अकाउंट खुलवा लिया है, तो पूरे इंडिया में किसी भी ब्रांच में आप चले जाइएगा, आपको नया अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप रुपए जमा कर सकते हैं या रुपए निकाल भी सकते हैं, तो आप एक ब्रांच के कस्टमर से पूरे बैंक के कस्टमर बन जाते हैं। बैंक के कस्टमर का मतलब है कि SBI एक बैंक कहीं भी होगा पूरे इंडिया में, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आप वहां ट्रांजेक्शन जाकर कर सकते हो, आपको हर बार नया अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये स्पीडी और इफेक्टिव बैंकिंग प्रोवाइड कराते हैं आपको ओल्ड टाइम्स इन दिस सिस्टम। ए कस्टमर बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच, तो एक कस्टमर एक ब्रांच में बैंक अकाउंट ओपन करके कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट इन ऑल CBS ब्रांचेस, सभी CBS ब्रांच में अपना काम कर सकते हैं, दे कैन ऑपरेट द सेम अकाउंट, ठीक है। इट इज इमैटेरियल विद दिस ब्रांच ऑफ द कस्टमर डील्स वैन और शी इज अ CBS, तो CBS ब्रांच कस्टमर जब आप होते हैं तो आप बेटे कहीं भी, ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं भी डीलिंग कर सकते हैं। ए CBS कस्टमर इज गिवन अ यूनिक आईडी, आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करा दी जाती है, उस आईडी के जरिए आपको पहचाना जाता है और आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। देखिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है CBS कस्टमर को। पहला है कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ CBS ब्रांच, तो किसी भी CBS ब्रांच से आप अपने कैश को विड्रॉ कर सकते हैं। इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड, इंस्टेंट ट्रांसफर कर सकते हैं आप किसी भी ब्रांच में जाकर, ठीक है। पासबुक कैन बी अपडेटेड फ्रॉम एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी पासबुक को अपडेट करा सकते हैं। फैसिलिटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट लिमिट कैन बी ऑपरेटेड एनीवेयर, ठीक है, तो ये फैसिलिटी आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। आगे है NIFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, NIFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इट रेफर्स, देखिए अब NIFT होता क्या है, इट रेफर्स टू ए नेशन वाइड सिस्टम, तो ये पूरे नेशन, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सिस्टम आपको अवेलेबल होता है, दैट फैसिलिटेट इंडिविजुअल फर्म्स एंड कंपनीज टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फर्म और कंपनी। तो बेटे एक वर्ल्ड नेशन वाइज फैसिलिटी होती है जिसमें आप एक जगह पर रहकर कहीं भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी फर्म को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बैंक की ब्रांच को ट्रांसफर कर सकते हो। NIFT सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेस, तो जो NIFT होता है बेटे वो 24 आवर ट्रांजेक्शन सेटल नहीं करता, केवल बैचेस में ही ट्रांजेक्शन सेटल करता है। NIFT के लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, उस टाइम के दौरान ही आपके जो ट्रांजेक्शन है वो हैंडल होंगे, ठीक है, उस टाइम के दौरान ही आपके ट्रांजेक्शन हैंडल होंगे, उसके अलावा आपके ट्रांजेक्शन हैंडल नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जो NIFT होते हैं वो बैचेस में ट्रांजेक्शन को हैंडल करती है। सो द सेटलमेंट टेक प्लेस एट
अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आपका सेटलमेंट होगा, ये नहीं कि आप किसी भी टाइम ठीक है रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए ओल्ड ट्रांजेक्शन आर हेल्ड टिल दैट टाइम, तो उसी समय के दौरान ट्रांजेक्शन आपके हैंडल होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज पर आरबीआई नॉर्म्स, आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक निफ्ट सेटल ट्रांजेक्शन टेक प्लेस 11 टाइम्स इन ए डे, तो एक दिन में केवल 11 बार ही ठीक है 11 बार ही ट्रांजेक्शन हैंडल किए जाते हैं। ठीक है उस टाइम के दौरान अगर आपका नंबर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अगले दिन आपके ट्रांजेक्शन सेटल किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कि वीक डेज के दौरान सुबह 9 से लेकर 7 बजे तक, तो आपने मान लीजिए 9 से लेकर 7 बजे तक कोई ट्रांजेक्शन किया तो आपका ट्रांजेक्शन सेटल्ड हो सकता है। ठीक है हो सकता है। एंड 5 टाइम्स ड्यूरिंग सैटरडे, सैटरडे में केवल सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक ये काम करता है। आपने सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक सैटरडे को ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपके ट्रांजेक्शन हैंडल हो जाएंगे। अगर आपने नहीं किया तो फिर ये अगले दिन मंडे को जाके आपका ट्रांजेक्शन हैंडल होगा, वो भी बैच के अंदर। सो एनी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर ए डेजिग्नेटेड टाइम कुड हैव वेट टिल नेक्स्ट डेजिग्नेटेड टाइम, तो अगर आपने उस टाइम को छोड़कर किसी और टाइम में ट्रांजेक्शन कर दिया तो आपका अगले दिन डेजिग्नेटेड टाइम पर ही ट्रांजेक्शन सेटल किया जाएगा। आरटीजीएस की तरह नहीं होता ये कि आप किसी भी समय ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है ये निफ्ट है, ये बैचेस में ही ट्रांजेक्शन हैंडल करते हैं। ठीक है वीक डेज में सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक, सैटरडे को सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक, संडे को इनकी छुट्टी होती है, संडे को निफ्ट नहीं हो सकती। ठीक है तो ये बैचेस में ही ट्रांजेक्शन सेटल करते हैं। फीचर्स देखिए, फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ निफ्ट फंड ट्रांसफर नेटवर्क ए बैंक ब्रांच हैज टू बी निफ्ट अनेबल, तो एक ब्रांच में भाई निफ्ट अनेबल सर्विस होनी चाहिए तभी वो निफ्ट करा सकती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है Not only individual firms or companies maintain accounts with a bank branch can transfer funds, but even such individual who do not, देखिए NIFT के जरिए आप कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो मनी, जरूरी नहीं है आपका अकाउंट उस बैंक में होना ही चाहिए। अगर आपका अकाउंट भी नहीं है तो भी आप ठीक है निफ्ट करवा सकते हो जाके। आपको करना क्या है, रुपए देने हैं और बेनिफिशियरी का नाम बताना है कि भाई किसके अकाउंट में आपको ट्रांसफर करने हैं। तो जरूरी नहीं कि आपका भाई उस बैंक अकाउंट में, उस बैंक में अकाउंट होना जरूरी है या अनिवार्य, नो नॉट एट ऑल। ठीक है आगे, ओनली इंडिविजुअल फर्म्स और कंपनीज मेंटेनिंग अकाउंट्स विद अ निफ्ट अनेबल्ड बैंक, तो ये कंडीशन बड़ी जरूरी है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो निफ्ट अनेबल्ड बैंक में होना चाहिए हु रिसीविंग द फंड। देखिए ट्रांसफरर जो होता है, जो ट्रांसफर कर रहा है मनी का, उसका अकाउंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो रिसीव्ड कर रहा है ना, जिसके फेवर में रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसका अकाउंट होना जरूरी है उस बैंक के अंदर जिसमें आप ट्रांसफर करा रहे हैं। इन केस इफ एनीवन हैज अ बैंक अकाउंट देन देयर इज नो लिमिट, अगर किसी का बैंक अकाउंट है तो उसकी कोई लिमिटेड नहीं है, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम ऑन द अमाउंट ऑफ फंड दैट कुड बी ट्रांसफर यूजिंग। ठीक है तो अगर आपका बैंक अकाउंट है तो कोई लिमिट आपके लिए नहीं है। इन केस इफ एनीवन डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है देन द मैक्सिमम अमाउंट दैट कुड बी ट्रांसफर इज 50,000, तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए ट्रांसफर ही कर सकते हो निफ्ट के जरिए। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप कितने ही रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है देखिए, जनरली फॉलोइंग फीस इज चार्ज, अब देखिए निफ्ट पर भाई फीस भी चार्ज होती है। देखिए 1,00,000 रुपए पे भाई 5 रुपए प्लस सर्विस टैक्स चार्ज होता है, 1,00,000 से 2,00,000 में 15 रुपए प्लस सर्विस टैक्स लगता है, 2,00,000 से ज्यादा हो जाए तो 25 और सर्विस टैक्स आपका लगता है। नो चार्ज इज टू बी लेवाइड फॉर द बेनिफिशियरी, जिसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। फॉरेन रेमिटेंस कैनॉट बी रिसीव, जो फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं वो निफ्ट के जरिए नहीं हो सकते, और ये केवल नेशन वाइड फैसिलिटी होती है, केवल इंडिया में हुए तो इंडिया के अंदर ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, फॉरेन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। निफ्ट सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेस, तो ये बैचेस में ही ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आपने उस टाइम के दौरान ट्रांजेक्शन नहीं की तो आपका नेक्स्ट डे जाकर ये सेटल्ड होगा। ठीक है नेक्स्ट डे जाकर ये सेटल्ड होगा। आगे देख लिए आरटीजीएस, तो निफ्ट में तो हमने देखा भाई कि निफ्ट की एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, यानी जिस टाइम आपने रुपए ट्रांसफर किए तुरंत आपके रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे सामने वाले के बैंक अकाउंट में, एनी टाइम 24/7 कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। निफ्ट में ये फैसिलिटी नहीं थी। सो देखिए इट रेफर्स टू फंड ट्रांसफर सिस्टम where transfer of fund take place from one account to another account in real time, real time यानी कि immediately उसी समय तुरंत transfer हो जाते हैं। ठीक है not subject to the any waiting period, इसका waiting period nil होता है।
एक सेकंड के अंदर तुरंत मनी ट्रांसफर हो जाती है। द ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड एज सून एज दे आर प्रोसेस, तो प्रोसेस करते ही ट्रांजेक्शन सेटल हो जाते हैं। ग्रोस सेटलमेंट मींस ट्रांजेक्शन इज सेटल टू वन टू वन बेसिस। ग्रोस सेटलमेंट का मतलब है वन टू वन बेस पर ट्रांजेक्शन सेटल करना, जबकि हमने निफ्ट में देखा था कि केवल 11 टाइम्स, ठीक है। जैसे निफ्ट आपने अभी कराई, मान लीजिए 9 से लेके 7 बजे के बीच में कराई है, तो अभी आपने कराई तो 2 घंटे के अंदर वो देखते हैं, 2 घंटे में जितने ट्रांजेक्शन इकट्ठे हो लेते हैं निफ्ट के सारे ट्रांजेक्शन को, फिर वो एक साथ बैचेस में कर देते हैं, ठीक है। तो सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 15,000-20,000 लोगों के ट्रांजेक्शन फिर वो कर रहे हैं, जबकि जो आरटीजीएस में वन टू वन ट्रांसफर होता है, वहां ये नहीं कि जब हमारे पास ट्रांजेक्शन इकट्ठे हो जाएंगे तब हम करेंगे, नो, वन टू वन ट्रांजेक्शन होता जाता है, ठीक है, विदाउट एनी बंचिंग, बिना किसी गुच्छों में या बिना किसी नेटिंग में, ठीक है। वहां तो गुच्छों में होते हैं ट्रांजेक्शन, बैचेस में होते हैं भाई, वहां तो जब तक ये इकट्ठे ना हो जाए ट्रांजेक्शन नहीं होते, लेकिन यहाँ वन टू वन ट्रांजेक्शन होते हैं। दिस इज फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आरटीजीएस फास्टेस्ट मनी ट्रांसफर होता है, तुरंत मनी ट्रांसफर हो जाता है। द आरटीजीएस सर्विस फॉर कस्टमर इज अवेलेबल फ्रॉम 9 AM टू 4:30 PM ऑन वीकडेज। तो आरटीजीएस आप सुबह 9 से लेके 4:30 बजे तक कर सकते हैं बैंक में जाकर, ठीक है, तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे रुपए। एंड फ्रॉम 9 to 1:30 AM ऑन सैटरडे एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो आरबीआई गाइडलाइंस के दौरान वीकडेज में 9 से लेकर 4:30 बजे तक होते हैं बैंक में जाकर, और साथ ही साथ सैटरडे को 9 to 1:30 होता है, संडे को छुट्टी होती है, आपको पता है। फीचर ऑफ आरटीजीएस देख लीजिए, ऑल द बैंक ब्रांचेस इन इंडिया आर नॉट आरटीजीएस, बट तो सभी बैंकों के पास आरटीजीएस की फैसिलिटी नहीं होती, कुछ स्पेशल बैंकों के पास ही होती है, ठीक है। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस कंटिन्यूअसली थ्रू आउट बिजनेस आवर्स, तो ये लगातार कंटिन्यूअसली होते रहते हैं बिजनेस आवर्स के दौरान। एंड डू नॉट सेटल इन बैचेस, बैचेस में या गुच्छों में नहीं होते ये, ठीक है। द बेनिफिशियरी हैज टू क्रिएट द कस्टमर्स अकाउंट, ठीक है, 2 hours ऑफ रिसीविंग द फंड ट्रांसफर मैसेज। तो जो रिसीवर होता है भाई उसका अकाउंट क्रिएट हो जाता है 2 घंटों के अंदर। फीस फॉर आरटीजीएस इज वेराइज फ्रॉम बैंक टू बैंक। जो आरटीजीएस की फीस होती है वो अलग अलग होती है सभी बैंकों के लिए, और जो मिनिमम वैल्यू आरटीजीएस की वो 2 लाख है, और इसके कोई अपर सीलिंग वैल्यू है नहीं। मिनिमम कम से कम 2 लाख को आपको करना है, 2 लाख से नीचे के अगर आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आपको निफ्ट करवानी पड़ेगी, फिर आरटीजीएस आप नहीं करा सकते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटे।